जहां देश भर में डिजिटल इंडिया के तहत बैंकों की कतारों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नौणी बाजार में लगे दो बैंकों के एटीएम में पैसा ना होने के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नौणी व इसके आसपास जहां कई शैक्षणिक संस्थान हैं व विश्वविद्यालय होने के चलते बैंकों द्वारा एटीएम की सुविधा दी गई है, मगर अधिकतर समय में एटीएम खाली रहते हैं। ऐसे यहां पढ़ने आए छात्र छात्राओं व अन्य लोगों को भारी परेशानी होती है। एटीएम से पैसा निकलवाने आए प्रेमचंद ठाकुर ने बताया कि जब भी वे पैसा निकलवाने नौणी के इन एटीएम में आते हैं तो ज्यादातर समय इनमें पैसा नहीं होता है और पिछले कई दिनों से यहां पैसे नहीं हैं, जिसके चलते उन्हें परेशानी हो रही है। वहीं गौरव ठाकुर ने बताया कि वे पिछले काफी दिनों से पैसा निकलवाने आ रहे हैं, मगर इन एटीएम में पैसे नहीं हैं, जिसके चलते लोगों को यहां से 15 किलोमीटर दूर सोलन शहर जाना पड़ता है। उन्होंने आग्रह किया कि बैंक अधिकारी जल्द से जल्द इन एटीएम में पैसा डालें। सोलन में आग लगातार अपना तांडव दिखा रही है। जहां एक ओर जंगलों की आग बेकाबू हो रही है, वहीं ये आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। सुखद बात ये है कि इसमें अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लाखों की वन संपदा और निजी संपत्ति इस आग की भेंट चढ़ चुकी है। ये आग सोलन की हर दिशा में लगी हुई है, लेकिन दमकल विभाग भी मुस्तैदी से आग को बुझाने का कार्य कर रहा है। दमकल विभाग का सराहनीय कार्य ये है कि कम कर्मचारी होने के बावजूद भी करोड़ों की संपदा को खाक होने से बचा लिया है। अधिक जानकारी देते हुए दमकल अधिकारी राजा राम ने बताया कि अभी तक सोलन में 27 बार आग लग चुकी है। इस आग में 9,06,000 रुपए की वन संपदा और 1,08,00,000 की कार इस आग की भेंट चढ़ी है। उन्होंने बताया कि अभी तक दमकल विभाग ने करीबन 5,04,72,000 रुपए की वन संपदा को जलने से बचाया है। उन्होंने ग्रामवासियों से अपील की है कि वे अच्छी घास के लालच में जंगलों को न जलाएं। सोलन शहर में गर्मी बढ़ते ही पानी की कमी होने लगी है। घरों में पानी न आने की वजह से सार्वजनिक स्त्रोतों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बारिश न होने की वजह से गर्मी अपने चरम पर है, जिसकी वजह से शहरवासियों पर दोहरी मार भी पड़ रही है। एक ओर गर्मी से उन्हें जूझना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पानी की किल्लत से भी आए दिन दो चार होना पड़ रहा है। सोलन शहरवासियों ने कहा कि एक तो गर्मी, ऊपर से पानी की किल्लत, जिसकी वजह से उनके दिनचर्या भी प्रभावित हो रहे हैं, साथ में उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पशु भी प्यासे बिलख रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद को चाहिए कि वे पानी का उचित प्रबंध करें, ताकि किसी को भी पानी की किल्लत की वजह से असुविधा का सामना ना करना पड़े। बड़ू बहु तकनीकी संस्थान के मैदान में फॉरेस्ट गार्ड के 12 पदों के लिए भर्ती शुरू हो गई है। ये भर्ती 22 जून तक चलेगी। भर्ती प्रक्रिया के बन सर्कल में कुल 9,130 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसको क्रम अनुसार हर दिन शारीरिक प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। विभाग की ओर से आज 900 अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया गया है। इस परीक्षण के दौरान हमीरपुर डीएफओ संगीता चंदेल, देहरा डीएफओ आर के डोगरा व ऊना डीएफओ यशुदीप सिंह मौजूद रहे। इस प्रशिक्षण में सबसे पहले अभ्यर्थियों को 100 मीटर की दौड़ निर्धारित समय अवधि में पूरी करनी थी, जिसके बाद 800 मीटर दौड़, हाई जंप व लॉन्ग जंप हुआ, और जो अभ्यर्थी इन सब को पूरा कर लेता है उसे लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। वहीं अधिकतर अभ्यर्थियों के लिए 100 मीटर की दौड़ ही इस परीक्षा को पास करने में बाधा बन गई। वन अरण्यपाल अनिल जोशी ने बताया कि 22 जून को शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा 30 जून को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्कल में कुल 12 पदों के लिए युवा शारीरिक परीक्षण में भाग ले रहे हैं और वन सर्कल में कुल 9,130 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
पिछले कुछ दिनों से हमीरपुर में गर्मी का पारा 45 डिग्री पहुंच गया था, लेकिन आज सुबह से ही घने बादल छाए और हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम सुहावना हुआ और गर्मी से लोगों को राहत मिली। इस मौके पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गांधी चौक पर दुकानदारों ने निर्जला कालसी के उपलक्ष्य पर, जो कि कल है लेकिन एक दिन पहले ही, लोगों के लिए ठंडे पानी की छबील और साथ में हलवा चने का भंडारा भी लगाया। काफी लोगों ने ठंडे पानी और हलवा चने का खूब आनंद उठाया। दुकानदारों का कहना है कि निर्जला कालसी के उपलक्ष्य पर हम हर वर्ष ही ठंडे पानी की छबील लगाते हैं और इस पर साथ में हलवा और चने का भी भंडारा लगाया है। सन 2000 से इस छबील का आयोजन शुरू किया था। छबील में छोटे छोटे बच्चों ने भी अपना खूब योगदान दिया और कहा कि छबील के ठंडे पानी से लोगों की प्यास बुझ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग ठंडे पानी और जो हलवा और चने का भंडारा लगाया गया है उसका आनंद उठाएं। बाल आश्रम सुजानपुर से दीवार फांद कर रविवार देर रात भागे चार बच्चों का कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि एसपी हमीरपुर अजीत सिंह ठाकुर ने आश्रम में जाकर घटनास्थल का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था जांची। इस दौरान एसपी ने आश्रम में सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां पाई, जिन पर सुधार के लिए प्रशासन को भी बता दिया। एसपी ने बच्चों के भागने की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली। आपको बता दें कि बच्चे मुख्य अधीक्षक के आवास का ताला खोलकर फरार हुए। बच्चों के भागने की वीडियो बाल आश्रम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। हालांकि पुलिस को सूचना मिलते ही क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू हो गया, लेकिन आज तक बच्चों का पता नहीं चल पाया है। सुजानपुर बाल आश्रम से इससे पूर्व भी कई बार बच्चे भाग चुके हैं। बच्चों के भागने का सिलसिला लगातार जारी रहने से अनहोनी होने का डर बना रहता है। पुलिस अधीक्षक अजीत सेन ठाकुर ने कहा कि वे स्वयं मौके पर गए थे। उन्होंने आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां पाई हैं। बच्चों को ढूंढने के लिए सर्च अभियान लगातार जारी है। सीसीटीवी फुटेज और लोगों से पूछताछ के आधार पर जानकारी एकत्रित की जा रही है। इससे बच्चों के भागने की दिशा का पता लगाया जा रहा है।